मैं दीपक अग्रणी माहेश्वरी, आपका मेरे और आपके चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों। दोस्तों आज इस वीडियो के माध्यम से हम टाइटन के शेयर को का मूवमेंट को चेक करेंगे कि भैया किस तरीके से और किस लेवल पर इस पर या तो शॉर्ट या फिर बाय कहां किया जा सकता है। तो रिक्वेस्ट यही होगी कि वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जो जानकारी हम आपके साथ शेयर करते हैं आपको पता है कि मोर देन 90% एक्यूरेट होती है। चाहे आप कोई सी भी स्क्रिप्ट उठाकर देख लीजिए, बट प्रॉब्लम्स होती है, कभी प्रॉब्लम्स होती है, नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर टाइम पे ना मिल पाना या फिर आपके द्वारा वीडियो को ना वॉच किया जाना। तो रिक्वेस्ट यही होगी कि वीडियो अगर आप वॉच करते हैं और आपको नोटिफिकेशन प्रॉपर वे में मिलता है तो प्लीज़ देखिएगा, समझिएगा, पूरा वीडियो देखिए ताकि आपको समझ पड़े कि भाई किस तरीके से किसी भी चीज़ का यूटिलाइजेशन किया जा सकता है। हो सकता है इससे आपका एजुकेशन ग्रोथ हो, पर्टिकुलर इन द फील्ड ऑफ स्टॉक मार्केट या वॉट एवर यू आर थिंकिंग, न्यू थिंकिंग, इफ़ यू वांट यू कैन लर्न। ओके, तो चलिए ये तो हो गया, बट अगर आप हमारे साथ अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में अकाउंट ओपनिंग लिंक है, अकाउंट ओपन कीजिए दोस्तों और हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अकाउंट ओपनिंग अपस्टॉक में फ्री है, ज़ेरोधा में चार्जेस लगते हैं ₹300, तो आप वो पे करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप अकाउंट ओपन होने के बाद हमें जानकारी दे दीजिए कि भैया क्लाइंट आईडी क्या है, देन हम आपको हमारे ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड कर लेंगे। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। चलिए, और मैं दीपक अग्रणी माहेश्वरी, NISM इक्विटी डेरिवेटिव सर्टिफाइड, माय मोबाइल नंबर इज़ 9022336182 90। अगर आप चाहते हैं तो आप एनी काइंड ऑफ पर्सनल सर्विसेज यू कैन कॉन्टेक्ट विथ मी। ओके, ठीक है, टेलीग्राम के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है और नोटिफिकेशन के लिए घंटे का निशान दबाना ना भूले दोस्तों, क्योंकि वही एक ऐसा जरिया है जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल सकती है, इतने सारे लोगों को मिल सकती है। ठीक है, तो दोस्तों टाइटन का शेयर है, टाइटन का शेयर आप देख रहे हो या डेली चार्ट पर उसने एक इनडिसिसिव कैंडल की तरह दूजी फॉर्मेशन आपके लिए यहाँ फॉर्म कर दिया, ना ऊपर गया ना नीचे गया और यहाँ पर जाके सेटल हो गया दोस्तों। अब इसमें इसमें क्या हो सकता है वो हमें जानना जरूरी है। तो दोस्तों अब 1250 का जो लेवल है वो इसमें एक बहुत ही कामगार लेवल है। अगर 1250 का लेवल नहीं टूटता है दोस्तों तो आप इसमें लॉन्ग कर सकते हो। कहाँ से लॉन्ग करोगे वो भी मैं आपको बता रहा हूँ कि भैया 1250 के लेवल के नीचे अगर ये गया तो कहाँ जा सकता है, फिर आप समझ लीजिए कि 1200 तक के लेवल तक जा सकता है, 1220, 1200 और भी कुछ लेवल से जो मैं आपके साथ अभी जानकारी पूर्वक शेयर करना चाहता हूँ। ठीक है, बट उससे पहले अगर आप इसको ट्रेड करना चाहते हैं, मतलब अगर आप नॉर्मल वे में इसी पैटर्न के हिसाब से ट्रेड करना चाहते हैं तो मैं आपको बाय के लेवल दे सकता हूँ, वो है 8/7/2015 के 19 के लिए। और 19 में अगर आपको बाय करना है दोस्तों, बाय करना है तो कहाँ करना है वो मैं आपको बता देता हूँ कि आपको 1290 के अराउंड मिलेगा, तो दोस्तों आप इसमें लॉन्ग कर सकते हैं। क्या टारगेट होंगे, वो होंगे 1298 रुपये, 1308 रुपये, और साथ ही साथ अगले जो टारगेट होंगे वो होंगे 1315 रुपये और फिर जो होगा 1330 रुपये। स्टॉप लॉस क्या होगा वो मैं आपको समझा देता हूँ, और अगर इसके ऊपर गया तो वो जो सारे हाई बने हैं वो भी आ जाएंगे जो कि आप यहाँ पर देख रहे हो। ठीक है, चलिए, तो स्टॉप लॉस क्या होगा वो ज़रूर हमको देखना ज़रूरी है। तो ये तो हुए हमारे डेली के, बट मैं आपको एक पोजिशनल व्यू भी शेयर करना चाहता हूँ कि जो लेवल पर अगर आपको सस्टेन करेगा तो आप उसमें कोई भी ऑप्शन, चाहे वो 1350 का ऑप्शन अगर या जो भी वॉट एवर ऑप्शन की सीरीज चलती हो इसके अंदर, वो आप देख सकते हो 1360 जो भी रहता है। ठीक है, तो चलिए अब इसमें क्या करना है दोस्तों, इसका स्टॉप लॉस क्या होगा। स्टॉप लॉस आपको, हमने जब 1290 के आसपास बाय करना है तो स्टॉप लॉस आपको करीबन 1270 से लेकर, मतलब 68 से लेकर 70 के बीच में आपको स्टॉप लॉस रखना है ना, 20 रुपये का स्टॉप लॉस मेंटेन करना जरूरी है दोस्तों, क्योंकि लग रहा है कि भैया ये सपोर्ट लेके यहीं से घूम सकता है और घूमने के लिए हमें मिनिमम स्टॉप लॉस रखने की ज़रूरत है। मैक्सिमम में तो 1250 के नीचे भी रखना पड़ सकता है, हो सकता है, बट हम क्यों ज़्यादा रिस्क लें, हमें इतना बड़ा नहीं, हमें छोटा ही काम करना है। ठीक है, चलिए, अब हम अगर हमें सेल करने का मौका मिला तो क्या करेंगे। सेल करने के लिए जो लेवल आएंगे वो होंगे 1275 के आसपास के ही होंगे और आपको टारगेट देंगे 1268 रुपये का, 1258 रुपये का, 1250 रुपये का, साथ ही साथ फिर आप इसको 1240, 1230 जहाँ भी आपको लगे आप इसको देख सकते हैं, जितना लॉन्ग आपको कि नीचे की साइड में देखना है बेरिश मोड में।
इसका स्टॉप लॉस क्या होगा दोस्तों, स्टॉप लॉस आपको 1303 रुपये के आसपास रखना पड़ेगा, तभी जाके ये सब चीज़ पॉसिबल हो पाएगी, क्योंकि 1299 के ऊपर तो ये बुलिश होगा बट वहाँ पर सस्टेन करेगा तब, ठीक है। चलिए अब इसका क्या है, मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, अगर ये 1299 रुपये के ऊपर आपको किसी भी दिन पोजिशनल बेसिस पे दिखेगा दोस्तों, यू कैन ट्राई दिस स्टॉक, ओके। और वही वो चार टारगेट होंगे जो आखिरी के सारे इसके लिए स्टॉप लॉस वही 1250 के नीचे रखना पड़ेगा आपको। और अगर फिर ये जो लेवल कट गए तो हो सकता है आपको ये 1400-1450 तक के लेवल भी आपको दिखाई दे सकते हैं इसी महीने में या 2-3 महीने में, क्योंकि देखिए ये कुछ दोजी पैटर्न आपने यहाँ देखे, ऐसे बने उसके बाद एक शार्प गिरावट आई और गिरावट को संभालने की कोशिश सपोर्ट लेवल पर स्टॉक कर रहा है, और अगर ये सपोर्ट ले लेगा दोस्तों बकायदा तो आपको वापस से 1350 के लेवल मिल सकते हैं। तो अगर 1350 या 1360 का टाइटन का कॉल ऑप्शन देखे तो क्या भाव चल रहा है वो हम देखने की कोशिश करते हैं। तो 4 रुपये के आसपास यस ऑप्शन लगता है, और मैक्सिमम रिस्क अगर हम कंसिडर करें, अगर ये 1200 रुपये के ऊपर चलता है दोस्तों, देखिए अभी 25 रुपये का भाव आना बाकी है, 1275 और 1300 के भाव आने में कम से कम इसमें भी मूवमेंट आएगा, तो ऐसा है कि भैया ये भी हो सकता है आपको 8 रुपये के आसपास, ये आपको 8-9 रुपये के आसपास मिल सकता है जब ये भाव ऊपर आए। हो सकता है कि हम ये कहेंगे यहीं के भाव पर मिले आपको, तो फिर भैया अगर आपको मिलता है तो फिर आपको 1200 के ऊपर में 15-20 और 25 रुपये तक के टारगेट के लिए काम करना है, और आप स्टॉप लॉस सीधे सीधे गणित में 0 ही मान के चले तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि अगर हमें पैसे को 25 रुपये तक घुमाना है तो एटलीस्ट मैक्सिमम स्टॉप लॉस में 0 को कंसीडर करना ही होगा, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो, वंदे मातरम। अगर वीडियो अच्छी लगती तो प्लीज़ लोगों को शेयर कीजिए, जानकारी अच्छी लगती तो लोगों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।